गाइस प्रणाम नमस्कार गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? ये मेरी मासी है, हाय हेलो। ये मेरी कन्नू और गुल्लू हैं। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं सहारनपुर अपने घर। हमको शादी की शॉपिंग करनी है, हमारी बहन की शादी है और आगे के सब ब्लॉग आपको अब सहारनपुर से ही देखने को मिलेंगे एक महीने के लिए। उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगी, तब तो आपको वापस उत्तराखंड के दर्शन कराए जाएंगे और दिखाते हैं आपको कहाँ कहाँ पहुँचते हैं, कैसे कैसे पहुँचते हैं। सुबह के बज चुके हैं 6 और हम निकल चुके हैं हिमगिरी पकड़ने के लिए। ये मेरी मौसी ने बैग पकड़े हैं हमारे, डर लग रहा है लेकिन हम भाग जाएं। तो कुछ कहना चाहेंगी मौसी आप दोस्तों को? एब्सोल्युटली कहना चाहूँगी, बोलिए बोलिए। कहना ये चाहूँगी कि ये जो दोनों मेरी भतीजियाँ कोटद्वार जा रही है, सहारनपुर और कोटद्वार जाना तो मुझे भी था, उनके साथ मेरा मन कहाँ घर में लगेगा, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मुझे रहना पड़ेगा। बुजुर्ग मॉम डैड को देखने के लिए थोड़ा सा रुकते दो चार दिन, बिल्कुल तो मैं बड़ा इन्जॉय करती इनके साथ। और मुझे भी बड़ा घूमने का शौक था, जरा शॉपिंग तो मैंने भी कर ली थी इनके साथ, लेकिन क्या कर सकते हैं। सो सॉरी, दोनों बच्चों को कहती हूँ हैप्पी जर्नी, हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय। तो दोस्तों आपको अभी कुंडल में जाके दिखाते हैं, हम अपने मामा जी से भी मिलवाएंगे, तब तक के लिए आप व्लॉग में बने रहिए। जोड़ी जा रही है हमारे आगे आगे। हेलो गाइस, पीछे देखो कन्नू गुल्लू, पीछे देखो गुल्लू, तो पीछे देख ही नहीं रहा पर कुंडल में भीड़ लग जाएगी उन। तो ये दोनों मेरे भाई बहन हैं, वहाँ आगे मैडम जी चल रही है, उनकी शादी है, ये दोनों हमको छोड़ने आई हैं। तो अब हम कुंडल पहुँचने वाले हैं गाइस, तब आपको कुंडल में मिलवाते हैं सीधा अपने मामा से। तो दोस्तों हम कुंडल पहुंच चुके हैं, ये मेरे मामा हैं, ओके बाद में मिलते हैं। ओके ओके बाय। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं अब कुंडल से, रास्ते में आपको दिखाते जाएंगे जो जो मिलता रहेगा। क्या फायदा हुआ तेरा है? कुछ नहीं हुआ, तुझको भूख लग गई ना, तूने खाना पूरा नहीं खाया, तो फिर कम हो गया खाना। मत कर क्या, हार गया तू, लड़का हो गया, हार गया बता। अब पंगे मत लियो, अब पंगे मत लियो। मैं जीत गया, चल जीत गया, झूठे एक पॉइंट चाहिए था, एक पॉइंट कर लेते हैं। चल नहीं, मैं नहीं खेल रही। स्टोन पेपर सीजर, एक पॉइंट स्टोन पेपर सीजर, एक पॉइंट स्टोन पेपर सीजर। तू बस यही ये करता रहा, अगर तेरे को दूसरा नहीं आता कर स्टोन पेपर, आप कभी एक मेरे भी स्टोन पेपर सीजर, टू स्टोन पेपर सीजर, थ्री स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, एक टिशू, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, ओ फाइव स्टोन पेपर सीजर, सिक्स ओ तो फाइव का टाइम ठीक है, सिक्स हो गया, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, स्टोन पेपर सीजर, सेवन फाइव स्टोन पेपर सीजर, चल कर ले।
कट गई। एक पॉइंट, अब दो पॉइंट चाहिए सिर्फ। स्टोन पेपर सीजर इतना आ गया तो फिर लानी होगी। स्टोन पेपर सीजर, 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 स्टोन पेपर ताड़ा खेलेंगे आज। फाइव से करना है इसे। इसको ही फाइव से कर। 47 को ही फाइव से कर पॉइंट वाला। कैसा लग रहा है अब तेरे को? मजा आ रहा है? हाँ अभी तक बड़े हंसी लगे। अच्छा एक बार छोड़, एक बार हंसा के तो दिखा। हाई कोयल की आवाज निकालता है। निकालिए जरा। मेरे गले बैठ रहा है। फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से। हाँ पानी लेके आओ। हाँ ज्वालामुखी की उबलते हुए आवाज सुनो। चल अब कोयल की आवाज निकाल। हम दोनों दीदी पट्टू दीदी है क्या? हाँ पट्टू दीदी है। फिर से कर बार। Nice, very good. कल निकाल रहा था, इससे भी मस्त वाली। आज उसको गला बैठ रखा है बल। अब अपनी दादी का गाना भी तो सुना। ये देखो ये विचित्र पौधा है ना, दिखा कितना अलग है ना। ये भी हमारी है। अच्छा ये भी विचित्र है। ओके ये भी तूने लगाया। हाँ और ये किस चीज का पौधा है ये वाला विचित्र? ये हाँ ये मुझे पता नहीं। हम ये मैं अपने दोस्त के घर से उठा के लाया था। अच्छा मैं लाया था। मैं नहीं ले जाता अपने दोस्त के घर से, तू लाता था कभी? और ये क्या चीज है? ये मिनी प्लांट। ठीक है ओके। और बताइए सर इसके बारे में कुछ। हम आपको न्यू नर्सरी दिखाते हैं अपनी। ओके मैम उधर भी है हमारी नर्सरी। हम आपको ये भी हमने लगाए थे ये फूल भी आ चुके हैं इसमें। हाँ इसमें भी फूल आ चुके हैं। फूल भी दिखाइए मैम अपने। ये देखें। ओके मैम बहुत अच्छा। और दूसरे किस चीज के फ्लावर है? वो पता नहीं, वो हमने नहीं लगाए, वो बेबी से हैं। ओके हम आपको अपनी दूसरी नर्सरी दिखाते हैं। ओके मैम ओके। इसकी हम आपको ग्रोथ बताते हैं। इसकी ग्रोथ ये देख सकते हैं आप। ये देखो फाड़ दिया तुमने। कितनी आप रहने दीजिए सर, आपसे ना हो पाएगा, मैडम को करने दीजिए। कैसे फाड़ दिया? तो दोस्तों ठीक 11 बजे हम लोग सीधा घर पहुंच चुके थे। हमने कोटद्वार में, हमको ब्यूटी पार्लर में कुछ काम था, पर आज संडे होने की वजह से वो बंद था, तो हम सीधा मासी के घर आ गए, मतलब मेरी मामी की बहन के घर। और उसके बाद फिर आने के बाद खाना वाना खाया, उसके बाद थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती वस्ती की। ये देख सकते हैं आप जॉन मनीगार्डन को। फिर मस्ती वस्ती की, उसके बाद फिर बस वही चल रहा था। अभी भी आप देख सकते हैं लगे पड़े हैं बच्चे मस्ती करने में। इनके साथ ही खेल कूद में लग गई थी मैं। मैडम जी सो गई थी और आ गया। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तब तक के लिए आप लोग बने रहें व्लॉग में। थैंक यू। तो दोस्तों हम लोग घर पहुँच चुके थे
बीच रास्ते में कहीं रुक गए थे और अब भी हम लोग फिर से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं गाइस? हम दुकान में क्या करने जा रहे हैं? अच्छा मैगी लेने जा रहे हैं। टू मैगी। आपको पता है मैगी नहीं खानी चाहिए थी। क्यों? हम तो खानी चाहिए हमको। अंतड़ियों हमको पसंद है। अंतड़ियों में जम जाएगी आपके मैगी। कोई बात नहीं, पर अभी बात नहीं खाते, हम बहुत कम खाते हैं। तो फिर ठीक है गाइस, अब हम महाराज जी बोल रहे हैं कि मैगी खाएंगे तो खाएंगे। हाँ, सुबह ही हमारे लिए मैगी बनाएंगे। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे दोस्तों को? हाय दोस्तों, तो क्या बोलना चाहेंगे हम दोस्तों को? तो बोलना चाहते हैं आप? कुछ बोलना चाहेंगे? बोलिए, फटाफट बोलिए। तो गाइस आप सभी को हमारा नमस्ते। ये कोटदार की वीडियो है और आप कैसे, ये इनके ब्लॉग है। आपका ब्लॉग का नाम क्या है? वंदना बड़ोला। वंजीना ब्लोडा। आप हंसी आ रही होगी पर चिंता मत करो। बाय। ओके बाय। सो गाइस अब आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी जो कुछ भी होगा आपको कल दिखाया जाएगा। कल हमारे ब्लॉग की शुरुआत यही करेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए सर। देवांश। तो कल हमारे ब्लॉग की शुरुआत देवांश जोशी जी करेंगे। बाकी जैसा कुछ होगा मैं आपको दिखाऊंगी कल। तब तक के लिए धन्यवाद। ब्लॉग में बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हैं? मैं आ रही हूं गाइस। हाय शर्मा जी, मैं हूं तारा दिन ता दिन ता ला ला। मला सिता सारा पर भीतरी चलिए मेरा भी खोल।